साजन लोको प्रेजेंट क्या खैर तू पाता मेरे वेर क्यों स्वामी चर लाता होन प्रेम दे में गले बार सननु चत चाहुंदा तुम्हारे दर्शननु दिल पैया थके रो रो के हुण मिल पाके ते खुश हो के सरदा दे पुष्प परो के लई इंतजार विच हार खड़े पादे पिछे आसवाली तेरे द्वार खड़े ओ जीने वेखियां थोड़ियां रीता कि मैं दिल तो भुलण असलीता पाके एनिया प्रेम परीता ओला कर गे संगत दे दर्शन नु चित चाहुंदा तुम्हारे दर्शन नु मिल जे फेर नजारा नहीं भुलदा प्रीतम प्यारा किते मिल जे फेर नजारा नहीं भुलदा प्रीतम प्यारा सीगा साहब तो स्वरूप न्यारा आए ऊता अगे अवतार बड़े पादे पिछे आसवाली तेरे द्वार खड़े और नाम मंगदा मरतवे दर्जे तेरे नाम दान शाबस चढ़ जे तेरा है हृदय च फोटो खड़ जे लेके हाथ विच शंख सुदर्शन नु चित चाहुंदा तुम्हारे दर्शन नु उनू करे यार फुफकारा थोड़े बाज कौन लवे सारा लो सोने अंदर उन्नी तारा थोनू करिए याद दिलदार खड़े पादे पिछे आसवाली तेरे द्वार खड़े सारी गुरु संगत जी उचारण करो सतनाम श्री वाहिगुरु बेअंत गुरु संगतां वल्लों माया गुरु के लंगरां च अरदास कराई है धन्नवाद सो गुरु संगत जी जो इतिहास असी हुण कहना है गुरु संगत जी जे आपां विचार करिए कि भी कोई गुरु नूं प्रगट कर सकदा है गुरु दी माया बड़ी प्रबल है गुरु संगत जी गुरु दी माया किन्नी प्रबल है गुरु दी माया ऐसी है जे गुरु कोई सीन दिखा भी देवे ना अलाही सीन तां ओ भी पलां दे विच आपदी माया पा के उन्हूं भुला दिंदा है आपां विचार करिए तां बेअंत साखियां इतिहास पए है पर कलयुग दे विच अपने ते आ महान रहमत बख्शिश होई हर युग दे विच परमेश्वर ने अवतार लिया कदे बावन स्वरूप दे विच लिया कदे श्री राम कदे श्री कृष्ण दे अवतार च आए पर इस कलयुग दे विच गुरु महाराज अकाल पुरख परमेश्वर ने एक अवतार नहीं दस अवतार धारण करे अपने ते महान रहमतां बख्शिशां करियां जैसे समय अठवें पातशाह श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज दिल्ली दे विच सी संगतां नूं तार रहे सी गौर उपदेश कर रहे सी उस समय जदों गुरु महाराज उत्थे अठवें पातशाह बीमार हो गए सी ना तां पलंग ते पए सी गुरु संगत कोल बैठी है ता महाराज ने वचन करिया भी प्यारियो हुण समा आ गया हुण असी जाना है अपने लोक नूं ता ओ समय संगतां दे विच विराग उठ खड़िया जदों गुरु ने वचन करे ना संगतां दलगीर हो गईयां ता ओ समय एक गुरु घर दा अनन सेवक दीवान दरगाह मालक महाराज दे चरणां दे विच बैठा सी उन्हें महाराज के चरणों च बेनती करी सचे पातशाह जे तुसी सानू इस तरह छड़ के चले जाओगे तो असी किस दे दर्शन करांगे साडा जीवन तो थोड़े बिना अधूरा है ये जीवन की कोई कीमत नहीं रहनी इस कलयुग के भयंकर समय के विच असी रुल जाएंगे सानू रुलिया नू कौन आपदे नाल तेरे चरणों नाल जोड़ के रखूगा ये समा बड़ा भयंकर है आप कृपा करो महाराज हजे जाओ ना
आ संगतां दे अपनी कृपा नजर रखो। ता महाराज कहन लगे नहीं प्यारियो, परमेश्वर दे हुक्म दे विच इंसान जन्म लेंदा ते उहदे हुक्म नूं मन के सब ने जाना है। ता दरगाह मल कहिंदा है भी महाराज फिर कृपा करो, असी थोड़े वार किसे दे दर्शन करांगे। ता महाराज कहिंदे वचन उचारे बाबा बकाले बकाले बचन कह के सतगुर पातशाह ने जो इत्यादक समगरी ललेर पांच पैसे मंगाए। पालंग ते प्या ने सतगुर पातशाह ने अपने सज्जे हाथ ते उह समगरी रख के पांच जो परकरमा सी अपने पालंग दे दुआले करतिया ते उह समगरी देती दरगाह मल नूं ते आप सतगुर पातशाह महाराज सचखंड चले गए। इधर जिहड़ा बाबा बकाले दा बचन सतगुरु पातशाह कर गए, ये बचन दा पूरा पंजाब भर दे विच सब नूं पता लग गया। इउं दस्या भी अठवें पातशाह महाराज दी कुल दे विच उहनां दे अपने कुल 22 बाबिआं दी जगह लगदे सीगे, ताए चाचे जां होर वड्डे बाबे लगदे सी। जदों उहनां नूं पता लग गया भी बाबा बकाले बचन कर गए, उन्हां ने 22 गद्दियां जाके बकाले दे विच ला लईआं। हुण जिहड़े उन्हां दे मसंद रखे सी पूरे, जिहड़े उत्थे उन्हां दे मसंद रखे सीगे, हुण उह सब बैठे आपो तापे। हुण उह तां उत्थे बैठे आ गद्दियां लाई, मसंद जिहड़े खिच खिच के लैके जांदे सीगे इधर इधर, तां बकाले दे विच चक्कर चली पिआ। पर जिहड़ा उधर पूरा गुरु सी उह तां गुप्त सी ना, उहनूं प्रगट उहदे हुंदा गुरु जदों गुरु की अपनी रजा होवे, जदों गुरु की अपनी खुशी होवे। उहदी खुशी तों बिना गुरु नूं कोई प्रगट नहीं कर सकदा, अवतार गुप्त रहिंदे आ, आप प्रगट हुंदे आ, आपदी माया दुनिया तों चकदे आ। इधर गुरु महाराज प्रगट गुप्त सी, सो गुरु संगत जी इधर तो बकाले दे विच ये काम हो गया। इधर सतगुरु पातशाह ने प्रगट होना सी, कोई चोज रचना सी। जैलम दे किनारे एक पिंड टांडा, वो टांडे नगर का रहन वाला सी मक्खन शाह लुबाणा। इधर जो मक्खन शाह लुबाणा सी उहदा अपना एक जहाज सी, व्यापार करता सी, एक जगह तो दूजी जगह जाके समान बेचना करना उहदा अपना व्यापार सी। एक दिन समुंदर दे विच उहदी जिहड़ी कश्ती सी ना वह डामाडोल हो गई, फस गई नदी दे विच। जिहड़े उहदे सिपाही सी पैं दस्सिया वी उहदे 500 फौजी उहदा अपना रख्या होया सी ये काम दे लई। जदों कश्ती डामाडोल होई ना तां उह जिहड़े उहदे सिपाही सी उह आए मक्खन शाह कोले, जहाज दा जिहड़ा कैप्टन सी होर सब आके उहनां ने मक्खन शाह नूं कहा जी हुण नहीं आपां बचदे, कैश्ती अपनी डामाडोल आ, नेरी झखड़ चल पिया, समुंदर दीआं लहरां उठ खड़ियां ने वड्डियां, हुण अपनी कश्ती इहदे विच डुब जाणी है, हुण अपना आखरी समां आ गया। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਪੂਜਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਭ ਆਪਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ। ਇੱਧਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਗੋਲਾ ਨਾਨਕਾ ਤੁਮਾਰੇ ਘਰ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਸ ਡੁੱਬਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ
आपदे भगतों की रक्षा करते आए। हुण जे विचार करिए गुरु ने किन्नी रक्षा करी है, परमेश्वर ने किन्ना किन्ना दी करी है, वो तो नाम ही बेअंत ने। जिन्हां ने गुरुआं नूं परमेश्वर नूं दुख दे विच याद करिया है ते परमेश्वर ने उन्हां दे दुख हरे है कटते, उन्हां दे जन्म जंजाल तो भी मुक्त करते जदों गुरु कृपा करदा है। इधर मक्खन शाह लवाणा इन्हें जदों गल च पल्लू पा के गुरु के चरणों च करी बेनती तो सतगुरु पातशाह महाराज ने उड़ा जहाज डेक डोले खांदा सी डुबदा सीगा उन्हूं बन्ने लाता एक किनारे ते लाता। इधर मक्खन शाह लवाणा सतगुरु का शुकराना करदा, मन दे विच एक सुख भी सुखी सी भी सवा 500 मोहर गुरु के चरणों च भेटा करूँगा। गल ए नहीं भी गल सुखा सुखन की नहीं हैगी भी गल जे सुख ना सुखदा कहीं जहाज नहीं होना सी पार, नहीं गल सी सरदा ते विश्वास दी। ए ता एक भेटा जो सिख गुरु के दर्शन करन आउंदा तां कुछ ना कुछ भेटा गुरु के चरणों च भेट करदा, उहदी आपदा प्रेम हुंदा वह भेटा जिहड़ी। ये बेनती मक्खन शाह लवाणे ने गुरु के चरणों च करी सी, जहाज भी लाता किनारे। इधर मक्खन शाह लवाणा अपने परिवार के नाल चलिया गया दिल्ली नूं। पहलां तां दिल्ली जाके पता लग्या भी हुण बेनती उत्ते पुछया भी हुण गुरु नानक की गद्दी ते कौन है, कित्थे ने उह, मैं उन्हां दे दर्शन करने आ। तां पता लग्या भी अठवें पातशाह तां महाराज चले गए ने सचखंड नूं। इस समय वचन कर गए बाबा बकाले, हुण जे दर्शन होए तां सानूं बकाले दे विच होणगे। इधर मक्खन शाह लवाणा भी तुर पिया बकाले वल नूं परिवार समेत। पर इधर जिहड़ियां 22 गद्दियां सजी आई बैठे सीगे उह बाबे अंश वंश दे विचों, उहनां दे विचों सब तों प्रमुख सी धीरमल। धीरमल कौन सी? छेवें पातशाह दे सब तो बड़े सपुत्र सी बाबा गुरदित्ता जी। गुरदित्ता जिया जिया के दो सपुत्र होए, श्री गुरु हर राय साहब महाराज ते धीरमल जी। जड़ा धीरमल सी ये सातवें पातशाह तो वड्डा सी उम्र दे विच, ते अठवें पातशाह का ताया लगता सी। हुण धीरमल कोल एक होर गल ए सी भी जेड़ी बीड़ पांजां पातशाह ने भाई गुरदास जी तो लिखवाई सी ना, गुरबाणी उचारण करी तो लिखाई सी, ओ बीड़ भी भाई दे अपने धीरमल दे कोले सी। हुण धीरमल करतारपुर तो लैके ओड़ी बीड़ सी जाके रख ली बकाले, उत्थे दर्शन कराउण लग्या संगतां नूं ते लग्या कहण भी मैं सब तो वड्डा इन्हां दे घर विच बाबा, मैं नेड़े हाँ इन्हां दे, फिर पांचम पातशाह दी आ बीड़ मेरे कोले आ, इसलिए जिहड़ी गुरु की जोत आ वह मेरे विच आ। सारी संगत नूं अपने वल खिचे, जिहदे जिन्ने मसंद सी सारे संगतां नूं अपने वल खिच के लैके आउण। जे कोई चंगी भेटा कर दे उहदा चंगा माण सन्मान करन, उहदे गल विच सरूपे पाउण। पर इधर जद मक्खन शाह लवाणा आ पहुंचिया बकाले दी धरती ते, गुरु संगत जी मक्खन शाह लवाणा जदों पहुंचिया बकाले ते आके उत्थे की वेखदा है, पता लग्या भी उत्थे 22 गद्दियां लाई बैठे है। हुण की पता लगे किहड़ा गुरु पूरा? तां मक्खन शाह लवाणा ने गुरु नूं याद करिया, सच्चे पातशाह जिवें तुसीं मेरा डुबदा जहाज बन्ने लाता सी, अज जिहड़ा मेरा यह मन आ यह भी डुबदा फिरदा, ये भी आ मंझ धार च गोते खांदा, थोड़ी पछाण नहीं आ सकती थोड़ी कृपा तो बिना, केड़ा थोड़ा रूप है इत्थे, हुण आप करो ये मेरे मन नूं भी वह टिकाने ला दो, सोझी दे दो, पता लगे भी पूरा गुरु केड़ा, थोड़े दर्शन करन आया मैनू थोड़े दर्शन हो जाण। फिर मन च गुरु ने जदों कृपा करी ना, मन च विचार आई भी आपां तां गुरु नूं सवा 500 मोहर सुखी है,
जे गुरु पूरा होया अंतरजामी हाँ वो जड़ा भी होया वो आपा तो अपनी माया भेटा मंग लूगा। उन्हें की किया पांच पांच मोर हर गद्दी ते जावे ते मथा टेकी जावे, हर गद्दी ते जावे पांच पूरा मोर भेट कर देवे। वो जदों करी गया बड़े सारे जड़े गुरु बने हुए सी बड़े खुश होन, उन्हूं बिठाउण भी तकड़ा अमीर बंदा आपदे नाल जोड़िए ते सरोपे पाउण दा चंगा माण तान करन मक्खन शाह लवाने दा। बाई दे बाई मंज बगद्दियां वालियां कोले चलिया गया पर किसे ने भी सभा 500 मोर ना मंगी। मन अचंभे च आ गया भी हुण की करां, हुण इन्हां दे विचों तां कोई पूरा गुरु नहीं मिलिया, अखीर हुण लभदा फिरदा भी हुण मैं कित्थे जावां, कोई टिकाणा मिले कोई गुरु दी दस पावे। तां उत्थे पुछिया किसे नूं भी जिहड़े बाई गुरु आ बैठे है तां इन्हां तों बिना कोई होर भी गुरु आ इत्थे कोई होर भी, उह कहिंदे भी हाँ हैगा। पर हुण मन दे विच तां इह चक्कर पए विआ भी पता नहीं होर भी कोई गुरु बैठा होऊ किते ना किते, कोई गद्दी लाई बैठा होऊ, पता नहीं किहे जिहा गुरु आ, नकली आ कि असली आ, जां इन्हां वांगू बैठे ने गद्दियां लाई। मन दे विच विचारां चलदियां ने, मन भटकै पिया हजे भी हजे भी पूरा गुरु नहीं मिलिया। मन दे विच अरदासां करदा सच्चे पातशाह हुण आ किरपा कर दे, अपने दर्शन बख्श दे, आ मेरा जीवन आपदे चरणां दे विच जोड़ के मेरा जीवन सफल कर दे। ये डुबदी मंझ धार नूं भी हुणे मेरे जीवन दी नूं भी पार कर दे। सुनो भी जिवें मक्खन शाह लवाना हुण इस समय गुरु नूं याद करदा भी पूरे गुरु दे दर्शन होण ते पूरे गुरु दे चरणां दी जिहड़ी सरूप आ आपदे हिरदे च धार के नेत्र बंद करके इत्थे भी गुरु नूं भला सुनो इउं बेनतियां करदा है। कर कर के नमस्कारा मक्खन शाह करे विचारा, कीनू मैं समझा स्वामी हैगा जो अंतर जामी, लैके मेरा नाम बुलावे ओह ना मिले मैरम अजे जेड़ा, डुब दे जहाज बन्ने लावे ओह ना मिले। बैठे जो लालच मारे ता खुश हो गए सारे, पंज पंज मोहरां उत्ते एहो जे होरां उत्ते, किकण यकीन मैनू आवे ओ ना मिले महर मैं अजे जेड़ा, डुबदा जहाज बन्ने लावे ओ ना मिले। ओ मैं हाँ बिस्मा देख के ऐतने साध वेख के, परम ना मेरा मुकिया खबरा के स्वरूप चलुकिया, गोपत कला वरतावे ओह ना मिले मैर मैं अजे जेड़ा, डुब दे जहाज बन्ने लावे ओह ना मिले। मन्ना गुरु नानक कीनू टेकया मत्था जीनू, कोई ना दिल दी दसे जिथे हम दर्दी वासे, उस दी कोई दस पावे ओह ना मिले महर मैं अजे जेड़ा, डुबदा जहाज बन्ने लावे ओह ना मिले। ओ मेरी ए मन दी इच्छिया सुपने दे विच जो दिसिया, बारों भी मिल पे ओ में फड़ ला फिर चरण दो में, किते ओ सजन मिल जावे ओह ना मिले मैर मैं अजे मैर मैं अजे जेड़ा, डुब दे जहाज बन्ने लावे ओह ना मिले। थोड़ी की चलक दिखा गया खबरा की जादू पा गया, चाड़ गए प्रेम खमारी जांदी पुल दुनिया सारी, जीनू केरा चालक दिखावे ओह ना मिले महर मैं अजे जेड़ा, डुबदा जहाज बन्ने लावे ओह ना मिले। ओ ऐसे ओ सजन सोहेले आखर दे दुख दे वेले,
ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਤਿਉਂਦਾ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਤੇ ਆਵੇ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮੈਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਨੇ ਲਾਵੇ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਦਾ ਸਭਨਾ ਦੀ ਸਾਰੇ ਉਸਨੂੰ ਮੰਨਾ ਦਿਲਦਾਰ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਜੋ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵੇ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮਹਿਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਨੇ ਲਾਵੇ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਣੇ ਕੋ ਅੱਖੀਆਂ ਤਰਸਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਦੁਆਰਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਵਿਛੜਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਕਰਾਵੇ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮੈਰਮੈਂ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਨੇ ਲਾਵੇ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਸੀ ਜੋਤ ਨਰਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦਿਲ ਬਰ ਜਾਨੀ ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘ ਜਸ ਗਾਵੇ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮਹਿਰਮ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਨੇ ਲਾਵੇ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਡੁੱਬਿਆ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਮੰਝ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗੁਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਮੋੜਿਓ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ ਇੱਧਰ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਪਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਵੀ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਗਿਆ ਮਾਤਾ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ ਵੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੋਹਰਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਦੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਆ ਵੇਖ ਮੋਢਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੋਢਾ ਡੁੱਬਦਾ ਤਾਂ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਤਾਰੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਆ ਦੇਖ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਕੇ ਸਵਾ 500 ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਦਿਨਾਂ ਪੰਜ ਮੋਹਰਾਂ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਰਾਗ ਦੀ ਨਦੀ ਚੱਲ ਪਈ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਲਦੀ ਆ ਦੁਨੀਆਂ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਲਾਦੋ ਰੇ ਗੁਰੂ ਲਾਦੋ ਰੇ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰੇਮਣਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਲਾਂ ਇਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ
फिरे भाल दी दुनिया दर्शन जेड़े स्वामी दा हुण तां द्वारा भाल लिया मैं अंतर जामी दा ओ परम भलेखा मेरा जो दिल जानी ने चुकिया लभ लिया वही लभ लिया रब बैठा सी लुकिया ओ सुनो सरो त्यो होका मैनू मिल गया मन मोना भुल गई सब दुनिया जद मैं देख लिया सोना ओ चरण कमल फिर फड़ ले मैं भी जगया ना झुकया लभ लिया वही लभ लिया रब बैठा सी लुकिया ओ दिल जानी तो बिना दिलां दा गुलशन खिलिया ना मेरे दिल दा राज जिना चर मैनू मिलिया ना पर ओना चर मेरे नैनो नीर नहीं सुकिया लभ लिया वही लभ लिया रब बैठा सी लुकिया ओ दर्शन देवन सार मकाते सब झगड़े छेड़े कीती जदों पछाण जान रब सारग तो नेड़े ओ पौना सी जो पालिया मेरा जपन खपन मुकिया लभ लिया वही लभ लिया रब बैठा सी लुकिया ओ बेखी मैं एक लीला ओदे जोज निरालिया दी किवें करा मैं शोभा सोनी शान वालिया दी ओ साम सुंदर नू वेखण मैं वे शीश नहीं चुकिया लभ लिया वही लभ लिया रब बैठा सी लुकिया ओ जै शक्ति ने कीता है रमणी कतीरथानो जिस रै बरदी रहंदी रोज उड़ी कतीरथानो ओ सी जिन्ना दे मक्का चरना नाल है कुकिया लभ लिया वही लभ लिया रब बैठा सी लुकिया ओ नहीं खुशी दे राज बल बले दिल तो रोकी दे मैं ता अखी वेख लाए मालक दर लोकी दे ओ आओ अज वखावा जे कोई फिरता है उकिया लभ लिया वही लभ लिया रब बैठा सी लुकिया ओ औसत करने योग यार वा नजरिया गे है सोने सजन रंगीले मेरे मन नू पा गए है ओ इस प्रीतम दी सिवत करन तो जांदा ना रुकिया हां जी जांदा ना रुकिया लभ लिया वही लभ लिया रब बैठा सी लुकिया सारी गुरु संगत जी उचारण करो सतनाम श्री वाहेगुरु सो गुरु संगत जी ए इतिहास दे शब्द इतिहास बड़े महंगे ने स्वामी दरबारा सिंह जी महाराज जी की ब्रह्म रचना सो आप कृपा करनी होइयां भुलां दी खिमा बख्शना अगे तो समर्थ बख्शना कृपा करनी इनियां खिमा दी दिओ आग्या बुलाओ फते आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।